मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा के कद्दावर नेता श्री जगदीश देवड़ा ऐसे समाजसेवी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना महामारी ये पूरे विश्व में फैली हुई है, इससे हमारा देश संकट में है। जैसे संकट की घड़ी में कार्य करने वाले डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार, आरएसएस, सरस्वती शिशु मंदिर, सफाई कर्मी, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं व नगर पंचायत कर्मी, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार सहित प्रशासन के अधिकारियों का कोरोना संकट काल में जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की है। इसलिए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष व भाजपा के कद्दावर नेता श्री जगदीश देवड़ा ऐसे समाज सेवी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ रोटी सेक कर श्रमदान भी किया। इन योद्धाओं का श्री देवड़ा ने पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। सम्मान के दौरान श्री जगदीश देवड़ा ने कहा, आप लोगों ने सारी तकलीफ उठाकर लॉकडाउन का पालन किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। इस संकट की घड़ी में आप लोगों ने जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी है और हमारे कई साथियों ने भोजन प्रवासियों के लिए मदद कर लगे हुए हैं। हमारे देश एक परिवार है और आप लोगों ने परिवार की तरह पालन किया है। आंधी बाढ़ तो सबको देखी मगर यह कोरोना किसी को नहीं दिखता। आप सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर यह महान काम किया है। श्री देवड़ा ने पिपलिया मंडी थाना स्वास्थ्य केंद्र नगर पंचायत कर्मचारी भोजनशाला में जाकर रोटी की सिकाई की। नारायणगढ़ में पुलिस थाना, स्वास्थ्य विभाग, नगर पंचायत मल्हारगढ़ में स्वास्थ्य विभाग, तहसील, नगर पंचायत सफाई कर्मी, पुलिस विभाग, सेवा भारती निःशुल्क भोजन पैकेट वितरण किए गए। उन सभी कर्मचारियों का कोरोना महामारी में योद्धा के रूप में कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। दौरे पर वरिष्ठ नेता और सहित कार्यकर्ता एवं प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला साथ था। आज पिपलिया मंडी में जो कोरोना योद्धा से जो कोरोना महावीर महामारी में योद्धा से जो लड़े उनका सम्मान किया, किस तरह से आज ये पूरा कार्यक्रम? हम सबको ये पता है कि कोरोना महासंकट पूरे विश्व में इस कोरोना की बीमारी से जूझ रहा पूरा विश्व, और इस संकट की घड़ी में हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में भी, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में जिन लोगों ने सेवाएं की है, फिर चाहे वो डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी बंधु हो, हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो राजस्व विभाग के हों, पुलिस विभाग के हों, सब लोगों ने ये पता होते हुए कि ये संक्रमण की बीमारी है, ये बीमारी फैलती है और इस बीमारी से कई लोगों की मृत्यु हो गई है, ये पता होते हुए भी जिन लोगों ने घर परिवार छोड़ करके अपनी जान जोखिम में डाल करके जो सेवा की है, उनका जितना धन्यवाद किया जाए, जितना आभार व्यक्त किया जाए, जितनी उनको बधाई दी जाए, उतना कम होगा। कहीं ना कहीं कोरोना जैसे ऐसे मामला पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है। कहीं ना कहीं हमारे प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी भी ये सारे समाचार जन जन तक पहुंचाने का काम जिन्होंने किया, जन जागरण किया, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। वो भी रात दिन इस बीमारी का पता होते हुए भी वो घर से निकल करके गए और उन्होंने जन जागरण किया, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर आर्थिक स्थिति जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके आज कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जो व्यापार लेके उसको किस तरह से मैंने जो तबका है, जो वर्ग है, जैसे हमारे सारे सैन्य समाज के बंधु, हमारे ये बैंड बाजा बजाने वाले, हमारे सभी साथी ढोल बजाने वाले, हमारे ऐसे कई छोटे वर्ग के हमारे बंधु जिनका रोजी रोटी से बिल्कुल नाता टूट गया, वो तो ढाई ढाई तीन तीन महीने से ये हो गए, ऐसे सारे लोगों का विषय भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उदार हृदय जिन्होंने, मैं जितना कहूँ उतना कम है कि इस मध्य प्रदेश में भी उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी मेडिकल की जो सुविधाएं दी है और प्रवासी मजदूरों के लिए जो काम किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि अनेक
देश के कोने कोने में फंसे हुए मजदूरों को वाहन उपलब्ध करवा करके उनको अपने नियत स्थान पर पहुंचाने का काम किया, उनके भोजन का प्रबंध किया। हमारे सारे सरकार के प्रशासन के लोग सारे लगे रहे, अनेक सामाजिक संगठन, अब उनके बारे में जो कहा जाए, कई सामाजिक संगठन हैं ऐसे जो इस समाज की सेवा में लगे रहे, तन मन धन से भोजन का प्रबंध करके हमारे निकलने वाले बंधुओं का भोजन का प्रबंध किया, राशन पहुंचाया घरों में। हमारे कई बंधु बहुत अनेक प्रदेशों में फंसे हुए थे, उनको लाने का काम किया। मैं ऐसे सामाजिक संगठनों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। नगरवासियों किस तरह का प्रेरणा देंगे कि जैसे महाराज जैसे बच्चे और बचने के उपाय बने? मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये बीमारी पूरे विश्व में फैली और हिंदुस्तान में भी इस बात का पता चला, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तत्परता, उन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन करने का काम किया और पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण अभी 31 तारीख को पूरा होगा, लेकिन देश की जनता का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है कि लॉकडाउन के दौरान संकटों का सामना करना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कई कष्ट आए। लॉकडाउन के अंदर कोई कौन सी तकलीफ ऐसी जो नहीं हुई? बहुत तकलीफ उठा करके आम आदमी ने, देश की जनता ने उसका पालन किया। और मैं तो यही कहूंगा कि इस कोरोना के बीमारी का कब अंत होगा, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे मुकाबला करने की जरूरत है, लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है। मास्क लगा करके घूमे, हर व्यक्ति को जन जागरण करना चाहिए, सब लोगों को बोलना चाहिए कि अपने मुंह पर मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, जितनी दूरी रख सकते हैं उतनी दूरी रखें, साबुन से हाथ धोने का काम करें, सैनिटाइजर लगाएं। इन सब सावधानियों को अब हमारे जीवन का एक अंग बना करके हमको काम करना पड़ेगा। आज आप विधानसभा क्षेत्र विप्लावंडी पहुंचे, आपने कहा पुलिसकर्मी का और स्वास्थ्य विभाग सबका स्वागत कर कहाँ का निरीक्षण करा? मैं सभी हमारे पुलिस विभाग के सभी साथी, छोटे से छोटे कर्मचारी, बंधु, हमारे अधिकारी, हमारे सारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे आज मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी बंधु, हमारी माता बहनें सारी, पत्रकार साथी, हमारे जो भी लोग इस सेवा में, हमारे आरएसएस के हमारे सभी साथी, हमारी यहाँ पर अनेक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, हमारे व्यापारी बंधु, उन व्यापारी बंधुओं ने भी जो भी हमारे जो सहयोग करके, मदद करके जो सहयोग किया है, उन सभी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद प्रशासन द्वारा जो नियम जारी किए गए व्यापारियों के, उसके बावजूद भी दुकानें खोली रखकर